अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ में और हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष वलदार यादव जी। आज आप लोगों ने जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज को ज्ञापन दिया है फिलिस्तीनियों पर जो मजालिम हो रहे हैं, इस अवसर पर क्या कहना है? देखिए, इसराइल पूंजीवादी मुल्क अमेरिका आज के इशारे पर फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। वहाँ नौनिहाल बच्चे, औरतें, बुजुर्गों की हत्याएं हो रही हैं और वहाँ यह अन्याय कर रहा है जिसके कारण आज तमाम तबाही वहाँ मची हुई है। लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं। फिलिस्तीनियों की मांग है कि जो गाजा पट्टी है, गाजा क्षेत्र है, उसको वहाँ से जो इनके सैनिक हैं उसको खाली करें। वहाँ हमारे ये फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और उनको परेशान न करें। ऐसी हालत में इसराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है और मूल रूप से अमेरिका जो पूरे अरब कंट्रीज़ में वह तेल के लिए दादागिरी करता है, तेलों पर उसका कब्जा रहे, इसलिए वह सभी देशों को लड़ा के रखता है। इसराइल भी उन्हीं मुल्कों के साथ है, अमेरिका के साथ है। आज जो हमले हो रहे हैं फिलिस्तीन पर, ये मानवता के विरुद्ध हैं। आज हम लोगों ने विरोध किया और मांग किया है कि जो देश की सरकार है वो जो पहले हमारे फिलिस्तीन के लोगों के लिए जो फैसले हुए थे उसमें हम लोग उनको मदद करें। अमेरिका को इस बात के लिए हम एतराज़ दर्ज कराएं और उनके मदद के लिए उनके जो लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं उनके लिए आर्थिक मदद, खाद्यान्न की मदद करने का काम करें। वह ज़मीन फलस्तीन की है, उस पर इसराइल ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। कब्जे से हटाने के लिए ही वह युद्ध चल रहा है। इसराइल नहीं चाहता कि गाजा पट्टी क्षेत्र हम लोग छोड़ दें और निश्चित तौर पर फिलिस्तीन के लिए गाजा पट्टी में तमाम ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ पर रह करके अपने रोजी रोजगार करते हैं और वो फिलिस्तीनियों का है। इसराइल को इसराइल ज़बरदस्ती तानाशाही से वहाँ रहना चाहता है। इसका विरोध बहुत दिनों से चल रहा है और हमारी देश की यह कूटनीति रही है, विदेश नीति रही है कि ऐसे अवसर पर जिसके खिलाफ अन्याय होगा हम उसके साथ रहेंगे। पूरे दुनिया में गुट निरपेक्ष देश इसीलिए बने थे कि जहां अन्याय होगा वहां हम लोग सब लोग साथ रहेंगे। निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की दो तरफी राजनीति से आज देश के जो देश की साख थी दुनिया में उस पर धब्बा लगा है। हमेशा भारत फिलिस्तीनियों के साथ रहा है, उनके अन्याय, उनके ऊपर हो रहे अन्याय दमन के खिलाफ रहा है, लेकिन मोदी की सरकार यह निश्चित तौर पर इसमें गलत काम कर रही है। पुराने हमारे जो फैसले थे विदेश नीति के, कूटनीति के, उस पर अमल नहीं कर रही है। फलस्तीन पर और फिलिस्तीनियों पर हमला आप किस पर हमला मानते हैं? यह इंसानियत पर हमला है, यह मानवता पर हमला है। किसी देश की ज़मीन हड़पने के लिए इसराइल ये हमला कर रहा है, ये बिल्कुल अन्याय है। जिसकी ज़मीन है वो उस पर रहेगा, ये निश्चित सत्य है। तो उस पर तो ये इसराइल अमेरिका के इशारे पर वहाँ पर युद्ध अमेरिका करा रहा अपनी हथियार बेचने के लिए। अमेरिका हथियारों की राजनीति करता, हथियारों से पैसा इकट्ठा करता है, इसके लिए वह इसराइल को मदद कर रहा है और दूसरे मुल्कों पर निशाना बनाता है। एक तरफ वह मदद करा, दूसरी तरफ कहता है कि युद्ध विराम होना चाहिए। तो यह पूरे सभी जगहों पर वह भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाता है, वह श्रीलंका से अन्य मुल्कों को लड़ाता है, वह पूरे दुनिया में वह सभी मुल्कों को शनाते लड़ाता है कि वहाँ उसके हथियार बिकें।
आज इसराइल का विरोध रूस, चीन, श्रीलंका सभी देश कर रहे हैं, भारत को भी उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर अमेरिका के सरकार के इशारे पर उनके शरण टेक करके देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, परजीवी बनाना चाहते हैं, इसके कारण अमेरिका के इशारे पर वो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। जो बाहरी ममालिक हैं जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं इसराइल के द्वारा, जो वहशियाना बमबारी हो रही है, जो निहत्थे फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, जो खामोश है इस मजालिम के सामने, देखिए हम सबसे अपील करेंगे दुनिया के सभी मुल्कों से कि अगर एक आदमी के साथ अन्याय होगा तो वह अन्याय कभी आपके साथ भी हो सकता है। ये अन्यायी जो होता है इसके हाथ लंबे होते हैं, और इससे सीख लेकर के हम सब लोग एक होकर के इजराइल का विरोध करें, अमेरिका की नीतियों का विरोध करें और हम लोग संगठित हों। आज जो ज्ञापन दिया गया है, जो डेलीगेशन था, जो प्रतिनिधिमंडल था, उसमें कौन कौन लोग? उस प्रतिनिधिमंडल में सभी हमारी जो पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, प्रदेशी पार्टियां, कांग्रेस के लोग थे, CPI, CPM, CPM माले और ये रालोद, ये JDU और ये RLD, सभी हमारी पार्टी के सभी लोग थे। समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका में, सामाजिक संगठन उसमें थे, रविंद्रनाथ राय सामाजिक कारवा के संपादक थे, तो सामाजिक संगठनों के लोग थे उसमें। ज्ञापन किसके नाम? राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, इसमें राष्ट्रपति ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति को द्वारा जिलाधिकारी ज्ञापन दिया गया है। ये थे समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि फिलिस्तीनियों पर हमला इंसानियत पर हमला है, जमहूरियत पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, और इसके खिलाफ जो भी इंसाफ पसंद जो ममालिक हैं, चाहे वो इस्लामी ममालिक हों या बाहरी जो भी ममालिक हैं, उनको आगे आना चाहिए इस जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और इस वहशियाना बमबारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए और खुलकर जो है इसराइल का विरोध करना चाहिए। खबरों नगर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।